Hello friends, welcome to KDC Home channel. Today we are going to discuss about maxims of equity. There are total 12 maxims related to equity, and today we are going to discuss about the first one. आप अपने हमारे playlist को check कर सकते हैं. हर एक maxim का एक video बनाएंगे, right? So that you will get all the maxims, right? Let us start with the first maxim. Our first maxim tells that equity will not suffer a wrong to be without a remedy. फिर से बोल रहा हूँ, equity will not suffer a wrong to be without a remedy. और ये लैटिन में कहा गया है, ubi jus ibi remedium. Jus मतलब law, right? तो जहाँ भी legal right किसी का breach होता है या hurt होता है, वहाँ रेमेडी प्रोवाइड होगा, वहाँ इक्विटी रेमेडी प्रोवाइड करेगा. तो दिस इज व्हाट अवर फर्स्ट, लेट अस सी द मीनिंग. वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी. अब यहाँ पे जो राइट बोल रहे हैं वो हमारा लीगल राइट की बात कर रहे हैं. जहाँ भी लीगल राइट है वहाँ एक रेमेडी होगा. अगर उस लीगल राइट के राइट का ब्रीच होता है या तो कोई उसे वायलेट करता है, राइट, तो देयर विल बी अ रेमेडी प्रोवाइडेड बाय दिस इक्विटी. तो इट मींस दैट नो रॉन्ग शुल गो अनरिड्रेस इफ इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग रेमेडीड बाय कोर्ट्स इन द केसेस ऑफ इनजस्टिस. इफ द रेमेडी फॉर द सेम इज नॉट अवेलेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ देन इक्विटी विल प्रोवाइड इट्स रेमेडी. अच्छा, अगर रेमेडी तब मिलेगा, इक्विटी विल कम फॉरवर्ड देन एंड ओनली if the court of law fails to provide remedy for the same. फिर से बोल रहा हूँ, देखें, remedy equity तब provide करता है जब court of law fails to provide remedy. तो जहाँ court of law fail होता है वहाँ equity remedy provide करता है, solution लेके आता है. तो right and duty are the two sides of one coin. पहले paragraph में हमने right के बारे में देखा, अब duty के बारे में. Where due to deed of violation of duty, अपने duty के खिलाफ गलत काम या तो गलत तरीके से अगर उन्होंने अपना duty निभाया है, तो if right of any person is violated, then remedy against the person committing breach of duty should be available. इसके लिए case है, बहुत famous case, that is SP versus White. In this case, a qualified voter was not allowed to vote and who therefore sued the returning officer. Vote right जो है वो हमारा fundamental right है. तो एक qualified voter को voting करने से disturb किया या रोका गया था, तो इसलिए उन्होंने अपने हक के लिए उनके returning officer के सामने sue कर दिया. It was held that if the law gives a man the right, he must have a means to maintain it and a remedy if he is injured in the enjoyment of it. Application. इस रेमेडी, इस मैक्सिम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है? इन केसेस वेर सम डॉक्यूमेंट्स विद द डिफेंडेंट एंड इट वॉज नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू ऑब्टेन इट डिस्कवरी और प्रोडक्शन, अ रिकोर्स टू चांसरी कोर्ट्स हैज टू बी मेड फॉर द कॉमन लॉ बिकमिंग रॉन्ग्स विदाउट रेमेडीज, राइट. डिफेंडेंट के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और वो बहुत जरूरी हैं प्लेंटिफ को ऑब्टेन करना, तो यहाँ चांसरी कोर्ट एक ऐसा प्रोविजन अवेलेबल करता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए कि उन्हें सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का अवसर देता है. दिस इज व्हाट रेमेडी डस, राइट, मैक्सिम और दिस इक्विटी डस. ये चीज कॉमन लॉ नहीं करता है. नेक्स्ट, लिमिटेशन. ये मैक्सिम के लिमिटेशंस क्या क्या है? सबसे पहला लिमिटेशन है कि दिस मैक्सिम डस नॉट अप्लाई टू मॉरल एंड पॉलिटिकल रॉन्ग. जहाँ मॉरल और पॉलिटिकल रॉन्ग है वहाँ अप्लाई नहीं होता है. ये मैक्सिम वहाँ अप्लीकेबल नहीं है जहाँ रेमेडी कॉमन लॉ प्रोवाइड कर सकता है. मतलब इफ एंड ओनली इफ कॉमन लॉ फेल्स टू प्रोवाइड, मैंने पहले भी बताया था, तभी ये मैक्सिम अप्लाई होता है. थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल डैमेज होना जरूरी है. तो इफ देयर इज नो लीगल डैमेज and this maxim is not applicable. Fourth is, this maxim is not applicable
where the plaintiff is negligent or there is negligence on the part of the plaintiff. This maxim is not applicable where the plaintiff ke negligence ke wajah se agar kuch breach hota hai, to ye maxim applicable nahi hai. Right? Ab ye recognition kahan kahan hota hai? Hamare Indian laws mein ye kahan apply hota hai? First, the Indian Trust Act 1882. Second, Section 9 of CPC entitles a civil court to entertain all kinds of suits unless they are prohibited. Third has Specific Relief Act 1963, provides for equitable remedies like specific performance of contracts, injunction, jaise stay order, ye, declaratory suits, etc. So, ye sare jo hai laws mein ya sare Indian laws mein ye applicable hota hai. Right? So, this is what our first maxim is about. अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना भूलना नहीं, सो दैट आपको हमारे जो नेक्स्ट मैक्सिम का वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिले. राइट, तो जस्ट हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब वंस अगेन आवर चैनल एंड लाइक शेयर करना भूलना नहीं. बाय, हैव अ नाइस डे.